मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब MBBS और BDS में प्रवेश के लिए शासकीय के साथ प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 5% आरक्षण दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। नए सत्र से ही इस आरक्षण पर लाभ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मिल जाएगा। 14 मार्च 2023 को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आरक्षण की घोषणा की थी। बहरहाल अधिसूचना के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों को सभी कॉलेजों में किसी भी कोर्स में प्रवेश पर 30% और दिव्यांग को भी 5% कोटा मिलता रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सैनिक अभ्यर्थियों को सिर्फ सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में 3-3% आरक्षण मिलेगा। पात्र छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी, जिला संयोजन या सहायक आयुक्त की ओर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यही प्रमाण पत्र आरक्षण की पात्रता तय करेगा। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को हर श्रेणी में अलग अलग 5% आरक्षण मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि अनुसूचित जनजाति का 20% आरक्षण है और 100 सीटों में से उसे 20 मिलता है तो इसमें 5% यानी कि 1 सीट सरकारी स्कूल के विद्यार्थी के लिए होगी। इसी तरह अनारक्षित की 50% यानी कि 50 सीट है तो इसमें 5% यानी 2.5 सीट या 3 सीट सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए होगी। अजा और OBC में इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले हम PMT की परीक्षा यहीं लेते थे, अब नीट के माध्यम से ये परीक्षा होती है और वहीं से मेरिट लिस्ट बन के आती है। एक अध्ययन में ये पाया गया कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के एडमिशन नीट की परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में ज्यादा होते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे कम प्रवेश ले पाते हैं। हम शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं और इसलिए ऐसी एक व्यवस्था आवश्यक है कि ये दोनों की प्रतिस्पर्धा अगर समान होगी तो सरकारी स्कूलों के गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों की संख्या घटेगी। इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि नीट के माध्यम से जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों की 2 मेरिट लिस्ट बने, एक जिसमें जो सामान्य मेरिट लिस्ट हो जिसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन हो जाए और एक 5% की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी सरकारी स्कूल के बच्चों की ताकि उनको हम एडमिशन मेडिकल कॉलेज में देंगे, गरीबों के बच्चों और निर्मल नंबर के परिवारों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में ज्यादा प्रवेश दिलाने का काम कर सके।